ए राउंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, अब देखो एक डिस्क है हम लोग के पास, चलो एक डिस्क ले लेते हैं, दिस इज द डिस्क। ठीक है, ये एक डिस्क है। अब इस डिस्क पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज द आई टू। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए राउंड डिस्क का मोमेंट अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू पास ओवर एनदर डिस्क का मोमेंट आई वन रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेम एक्सिस। चलो इसको पहले क्वेश्चन को समझो। एक ये जो डिस्क है ये ओमेगा से घूम नहीं रहा, इसका ओमेगा जीरो है भाई। ठीक है, अब इसको मैं किसी दूसरे डिस्क के ऊपर रखता हूँ जो पहले से जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है और वो ओमेगा से घूम रहा था, ये ओमेगा से अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा था और इसको इसके ऊपर ले जाके रखे, ठीक है। तो ये कहता है इट्स सेंटर प्लेस ओवर एनदर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्जी आई सी जो पहले से घूम रहा था। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होगा? कुछ टाइम बाद इसको यहाँ रख दोगे ठीक है, तो इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। मान लो ओमेगा डैश हो गया, वो हमें निकालना है। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं हम, ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले किए हैं हम, बहुत ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता। क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? क्योंकि कोई टार्क ही नहीं है यार, टॉर्क इक्वल टू जीरो है। तो अगर टॉर्क जीरो है क्योंकि इस पर एक ही फोर्स लग रहा है एम जी, तो एम जी अगर नीचे जा रही है तो नेट टाउ क्या है, नेट टाउ जीरो चला गया, टॉर्क जीरो चला गया। अगर टॉर्क जीरो चला गया, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिया जाए। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये तो घूम ही नहीं रहा था तो इसका जीरो हो गया, और ये घूम रहा था ओमेगा से तो इसका हो गया आई वन ओमेगा, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, दोनों की मोमेंटम इनर्शिया आई वन प्लस आई टू और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश जो है वह जाएगा आई वन ओमेगा और यह आ जाएगा आई वन प्लस आई टू। ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है। अब जब पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसके ऊपर रख दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और ओमेगा घट जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और ओमेगा घट जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जितना पहले से रोटेट कर रहा था अब उतने से रोटेट नहीं करेगा, स्लो रोटेट करेगा यार। ठीक है, तो ये फाइनल सोल्यूशन आई वन ओमेगा आई वन प्लस आई टू दैट इज सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना,